पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इन से ज्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। तो ये जानते हैं कि नौकरी इतनी लग रही है जिससे कि मतलब सरकार की उपलब्धि सामने आएगी। 3.5 लाख नौकरी किसे कहते हैं? ये घबरा करके डाइवर्ट कर लेंगे ध्यान को, जान बोल के नाटक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात अशोक गहलोत पर लगी गंभीर आरोपों को लेकर हो रही है। अगर देखा जाए पेपर लीक का मामला लगातार तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सचिन पायलट हो गए, हनुमान बेनीवाल हो गए, और भी तमाम ऐसे नेता है जो लगातार एक के बाद गहलोत पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलूं कि यहाँ पर एक जनसभा में पहुंचे थे अशोक गहलोत, और साथ ही साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, तब महिलाओं के एक गुट ने उन्हें पकड़ लिया और यहाँ पर लगातार उन पर चिलम चिल्ली करती नजर आई। साफ तौर पे कहती नजर आई कि युवाओं की, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं अशोक गहलोत। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत लगातार कहते नजर आए कि हमारे राजस्थान में जो पेपर लीक हो रहा है उसमें बीजेपी का हाथ है। और अभी उनका एक यहाँ पर बयान भी सामने आया जिस पर वो साफ तौर पे कहते नजर आए हैं कि अगर देखा जाए तो राजस्थान ही नहीं, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर पेपर लीक लगातार देखे जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा सवाल रहेगा, उसके बाद गहलोत ने क्या बयान दिए हैं वो ज़रूर आपको सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल कपिल से है मेरा। पेपर लीक का मामला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, तो क्या लगता है कि पेपर लीक इतनी आसानी से कैसे हो रहे हैं? क्योंकि पायलट ने भी कहा कि तिजोरी में रखा सामान बाहर कैसे आ सकता है, और गहलोत अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पेपर लीक कोई और करा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर CM गहलोत और उनके अधिकारियों का ही काम है? देखिए, दोनों इसमें चीज़ें हो सकती हैं। अगर CM गहलोत की बात करी जाए तो बिना किसी बड़े अधिकारी के, बिना किसी बड़े नेता के ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पेपर लीक हो जाए। या दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि पायलट गुट जो है वो इस तरह की चीज़ें कर सकता है। हालांकि इस बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं, कयासों के आधार पर ये जवाब दिए जा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। और इस तरह के जो बड़े अधिकारी होते हैं या फिर तमाम बड़ी जो कोचिंग संस्थान होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को बड़े स्तर पर पास कराने के लिए इस तरह के पेपर लीक कराते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, वरना इस तरीके से पेपर जो है वो बाहर आ जाए। क्योंकि कहा कि बंद तिजोरी में पूरी सिक्योरिटी के साथ इन पेपर्स को रखा जाता है, लेकिन बार बार जो पेपर लीक होते हैं उनकी ये तमाम वजह हो सकती है। लेकिन यहाँ पर गहलोत ने ये बात साफ तौर पे कही है कि राजस्थान से अलग हटके ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर ये सब देखने को मिलता है, और राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जाती है। तो आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक नौकरी की बात है तो ये सिर्फ दावे भर है, क्योंकि खुद जो है वो पायलट कई बार गहलोत के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने आरोप भी लगाया कि जिस तरीके से तमाम युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और अगर पेपर लीक की बात करी जाए तो लगातार UP और राजस्थान ये दो ऐसे राज्य हैं जिनमें एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं। अभी जो ताज़ा मामला है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, और भाजपा CBI की मांग कर रही है कि CBI की इसकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन अगर रोजगार की बात करी जाए तो मुझे नजर नहीं आता, राजस्थान और UP दोनों ही लगता है कि एक जैसे ही हैं। यहाँ पर कपिल ने भी अपनी राय रखी, और कहीं ना कहीं समझने की यही कोशिश की गई है कि अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले पर इंसान कैसे भी इल्जाम लगा सकता है। तो वही कहीं ना कहीं गहलोत ने भी किया है। लेकिन अब यहाँ पर कितनी इस मामले में सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें गहलोत किस तरीके से अपना बचाव करते नजर आए। देखिए, अभिभाषण पढ़ते तो ये BJP के हवा निकल जाती, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार की। तो गवर्नर साहब जो स्पीच पढ़ते हैं वो स्पीच आप देखते हैं कि जो परंपरा है उसके हिसाब से वो जो भी सरकार की तरफ से उपलब्धियां हुई हैं उसको वो बताते हैं कि ये सरकार की उपलब्धि रही है साल भर की। ये साहस नहीं जुटा पाए BJP वाले, इनमें हिम्मत नहीं थी बैठ के सुनते उनको, इसलिए ये सब नाटक किया गया। कोई दम नहीं है। पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इन से ज़्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। तो ये जानते हैं कि नौकरी इतनी लग रही है जिससे कि मतलब सरकार की उपलब्धि सामने आएगी। 3.5 लाख नौकरी किसे कहते हैं? ये घबरा करके डाइवर्ट कर लेंगे ध्यान को, जान बोल के नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक इनके सब राज्य में हो रहा है, जहाँ जहाँ सरकारें BJP की है उन सब राज्यों में हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, DRDO में हो रहा है, और तो और
राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी हो गया, वो अलग मामला है। उसको जितना सीरियस हमने लिया है किसी ने नहीं लिया है। हमने जेल में भेज दिया लोगों को, नौकरी से बर्खास्त कर दिया लोगों को। जो छात्रों ने बेईमानी करने की कोशिश करी उनको डिबार कर दिया, आगे एग्जाम देने से। सब कुछ सरकार ने किया, इनके जेहन में ही बातें सब है, इसलिए कहने कुछ है नहीं। तो आज गवर्नर साहब की स्पीच को इन्होंने होने दिया, नाटक किया, वो हल्ला किया। मैं इनको कंडेम करता हूँ। ये नेता लोग, नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले वो खड़े हो गए, ये सोच समझ के आए थे कि हमें क्या हाउस में करना है। अब ये हाउस को इस रूप में चाहेंगे कि लास्ट बजट है, इसलिए किसी तरह धमाल पट्टी करो, जनता में हमारी उपलब्धियों मैसेज नहीं जा रही। इनकी पूरी चाल है कि चुनाव तक का मैं कह सकता हूँ ये उपलब्धियां सरकार के सामने नहीं आए, जनता के सामने नहीं आए, उस षड्यंत्र में लगे हुए हैं, उसी रूप में ये काम करेंगे चुनाव तक, मुझे मालूम है। और हमें इसका मुकाबला ही करना पड़ेगा। ये जो इनका जो सोच है वो बिल्कुल नेगेटिव सोच है। ये नहीं चाहते कि सरकारी उपलब्धियां जनता तक पहुंचे, ये चाहते हैं कि जो हमने घोषणा करी उसका लाभ जनता को नहीं मिले, इसलिए भी ये जानबूझ के नाटक करते जाएंगे। इसका मुकाबला भी हमें ही करना पड़ेगा, हमारी पार्टी को ही करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ। ठीक है।